आदाब हुजूर। कहो, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जहां पना, मेरा नाम गोपाल चंद है। मैं बाजार में मक्खन बनाता और बेचता हूँ। करीब महीने भर पहले मैंने चंदूमल को कुछ पैसे उधार दिए और अब वो वापस लौटाने के बजाय वो ये कहता है कि उसने कभी पैसे लिए ही नहीं। तो चंदूमल, तुम्हें क्या कहना है? ये आदमी झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने इससे कभी कोई उधार नहीं लिया है। ये मेरा नाम खराब कर रहा है हुजूर, ताकि मेरे व्यापार को हानि पहुंचे। बीरबल, क्या तुम ये मसला सुलझाओगे? जी हुजूर। गोपाल चंद, अब मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ था। हुजूर, एक शाम करीब महीने भर पहले मैं बस अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि चंदूमल वहाँ मुझसे मिलने आया। राम राम गोपाल चंद, और बताओ कैसे हो? राम राम चंदूमल, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ गोपाल चंद, बस तुमसे थोड़ी मदद मांगने आया था। बिल्कुल, कहो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? दरअसल थोड़ा मक्खन खरीदना था घी बनाने के लिए, पर थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। अगर तुम मुझे 100 सोने की अशर्फियाँ उधार दो तो मैं ये रकम एक महीने में लौटा दूंगा। क्यों नहीं, आखिर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो तुम ही मेरे काम आओगे। ये लो चंदूमल, 100 सोने की अशर्फियां जो तुमने मांगी। शुक्रिया गोपाल चंद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। और कल जब मैं अपने पैसे मांगने गया तो ना ही इसने पैसे देने से इनकार किया, बल्कि कहने लगा कि उसने कभी मुझसे उधार लिया ही नहीं। अब तुम बताओ कि बात क्या है चंदूमल। हुजूर, मैं गोपाल चंद को एक अच्छा दोस्त समझता था और गोपाल चंद अक्सर मेरी दुकान पर आता था। नमस्ते चंदूमल, कैसे हो तुम और व्यापार कैसा चल रहा है? नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? भगवान की दया से व्यापार ठीक चल रहा है। तुम्हारे व्यापार की क्या खबर है? व्यापार तो अच्छा ही चल रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छा। और फिर कल अचानक मेरी दुकान पे आकर मुझे 100 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। कहने लगा मैंने महीने भर पहले उससे उधार लिए थे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने इससे कोई उधार नहीं लिया है। ये मेरा नाम खराब कर रहा है, ताकि मेरे व्यापार को बुरी तरह से हानि पहुंचा सके ये हुजूर। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर दे कि तुमने चंदूमल को पैसे दिए थे? गोपाल चंद। अफसोस नहीं हुजूर, क्योंकि जब मैंने पैसे दिए तब काफी देर हो चुकी थी और बाजार में कोई नहीं था। जहां पना, मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये तो साफ है कि इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। ठीक है बीरबल, तुम्हें वक्त दिया जाता है, ये मसला हम तुम्हें सौंपते हैं। शुक्रिया हुजूर। सेवकराम। जी हुजूर। सेवकराम, हम चाहते हैं कि तुम बाजार जाकर उन दोनों घी वालों के बारे में और जानकारी हासिल करो, चंदूमल और गोपाल चंद। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। हुजूर,
यूं तो दोनों गोपाल चंद और चंदुमल एक ही व्यापार में हैं, लेकिन लोग बाजार में चंदुमल के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते, जबकि सब गोपाल चंद को एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझते हैं। बहुत अच्छे सेवक राम, अब तुम एक काम और करो। एक घी व्यापारी के भेष में बाजार जाकर उन दोनों को एक एक मटका घी का बेचोगे। मैंने इन मटकों में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया है। तुम आज रात बाजार के सराय में रहकर बिताना और कल मुझे आकर ये बताना कि दोनों में से सोने का सिक्का वापस कौन लौटाता है। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। तो बीरबल, हमें लगता है तुमने मुजरिम को पहचान लिया है। जी हाँ, बिल्कुल जहांपनाह, चंदुमल है जिसने हमसे झूठ बोला था। खैर, हमें ये बताओ कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे बीरबल। जहांपनाह, और जब सेवक राम ने मुझे बताया कि गोपाल चंद ने सोने का सिक्का लौटाया है, मुझे पूरा यकीन हो गया कि चंदुमल ही है जिसने हमसे झूठ बोला था। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर, जिस दोस्त ने तुम्हारी मदद की उसी को तुमने धोखा दिया, और अब तुम हमसे माफी चाहते हो। तुम गोपाल चंद को उसकी 100 सोने की अशर्फियां लौटाओगे और साथ ही 100 अशर्फियां उसे परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना भी दोगे। शुक्रिया जहांपनाह। शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने इंसाफ किया है। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया राजा बीरबल। शुक्रिया। शुक्रिया जहांपनाह। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।